हेलो एंड वेलकम टू आर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों में रोवल और मैं आज आप सबके लिए एनवायरमेंटल साइंस का यानी ई का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ सो so ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी असम टेट हो त्रिपुरा टेट हुई वेस्ट बंगाल टेट, मतलब टेट, साथ टेट हो या दूसरे मतलब स्टेट का टेट हो साथ ही साथ सी हो या डी हो या के का एग्जाम हो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो so, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कुछ दिन मैं वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि बहुत बिजी था बट अभी से मैं पूरा वीडियोस बनाऊंगा रेगुलरली सो so, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन so, नंबर वन और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखना सो आप लोग भी ट्राई करना मतलब आंसर देने की सो uh, so, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर वन डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कौन सा नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है सो ऑप्शन ए वाटर ऑप्शन बी सोलर एनर्जी ऑप्शन सी क्रॉप्स ऑप्शन डी कोल एंड पेट्रोलियम सो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी यानी कोल एंड पेट्रोलियम ये नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है रिन्यूएबल uh, जो रिसोर्स है नेचुरल रिसोर्स ये वाटर है सोलर एनर्जी है क्रॉप्स भी है सो so, नंबर टू क्वेश्चन यानी द चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड चिपको मूवमेंट जो ओरिजिनेट हुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड के यानी उत्तराखंड अभी तो एक स्टेट है आ, सो कौन से आ, जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के सो ऑप्शन है हरिद्वार ऑप्शन बी देहरादून ऑप्शन सी चंपावत ऑप्शन डी चामोली सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी चामोली क्वेश्चन नंबर थ्री वन महोत्सव इंक्लूड्स वन महोत्सव में मतलब क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है ऑप्शन ए प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज बी कार्टेल्ड ऑप्शन सी रेस्टोरेशन ऑफ ग्रीन कबार ऑप्शन डी ऑल ऑफ़ द एहब सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एब ध्यान रखना वन महोत्सव में इंक्लूड किया जाता है प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज यानी प्लांट करना और प्रोटेक्ट करना ट्रीज़ को नंबर बी डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज शुड बी कार्टेल जो डिस्ट्रक्शन किया जाता है पेड़ को सो so उसको कार्टेल कम करना होगा ऑप्शन सी रेस्टोरेशन ऑफ ग्रीन कवर मतलब ज़्यादा प्लांटिंग करके कर कह सकते हैं हम लोग रेस्टोरेशन करना ग्रीन कवर को ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एहबाब सो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एहबाब हर कोई जो हर एक जो इसमें जो ऑप्शन दिया गया सब करेक्ट है क्वेश्चन नंबर फोर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इससे तो क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम पे

बी uh, यानी 1972 ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्ट आप लोग ध्यान से इस एक्ट को देख लेना इसमें क्या क्या चीज़ें है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर जो प्रोविज़न दिया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे वो क्या है प्रोहिबिट किलिंग एंड हंटिंग ऑफ स्पेसिफाइड एनिमल जो स्पेसिफाइड एनिमल है उसको मतलब प्रोहिबिट करना किलिंग और हंटिंग से ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूट सेंचुरीज नेशनल पार्क एंड क्लोज एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूट करना जैसे सेंचुरीज नेशनल पार्क और क्लोज एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑप्शन सी स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द एंडीज एंडेंजर स्पेशज के लिए जैसे स्पेशल स्कीम लेके आना बॉबी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है ऑप्शन डी ऑल द एहबाब सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबाब क्वेश्चन नंबर सेवन फ द फॉलोइंग इज ए फसिल फ्यूल कौन सा फसल फ्यूल है ऑप्शन ए तार ऑप्शन बी कोल ऑप्शन सी पेट्रोलियम ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दब सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबाब क्वेश्चन नंबर एट सॉयल एरीजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सॉयल एरीजन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रोइंग रिमूवल ऑफ वेजिटेशन सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी एफॉरेस्टेशन जब आप लोग प्लांट को मतलब ज़्यादा लगाओगे उसके बाद ही सॉयल एरीजन रुक सकता है सो एफॉरेस्टेशन इस द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर टू ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब किस चीज़ का रेफर है ऑप्शन ए कूलिंग ऑफ द अर्थ ऑप्शन बी ट्रैपिंग ऑफ यू बी रेस ऑप्शन सी वार्मिंग ऑफ द अर्थ ऑप्शन डी कल्टिवेशन ऑफ प्लांट सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ट्रैपिंग ऑफ यू बी रेस क्वेश्चन नंबर टेन ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग से आ, दिया गया नीचे जो प्रॉब्लम है वो देखिए मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा रेजिंग ऑफ द ओशन लेवल कह सकते हम लोग ग्लेशियर अगर मेल्ट uh, होगा तो ओशन लेवल जो वाटर लेवल है ओशन में वो रेइस होगा ऑप्शन सी जो सिंकिंग ऑफ द आइलैंड आइलैंड डूब जाएगा सो so, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव सो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो थैंक यू सो मच अगर आपका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो इस वीडियो में वीडियो को लेके आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या कुछ भी जरूरी हो मतलब रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन जीरो वन फोर सिक्स सेवन सिक्स फाइव थ्री So thank you so much.